Hey guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है पलक, मेरा नाम है शुभम और आ गए आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। वह रिएक्शन वीडियो में होने वाला है इस्लाम पोर्टल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का ये यूट्यूब चैनल है, उसके वीडियो का टाइटल है बट वी आर नॉट वरिड, लेकिन हम भी फिक्र हैं। अ सरकास्टिक लेक्चर बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी। तो जो वीडियो है, वीडियो के अंदर क्या है वो तो वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए अभी बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। चलिए जी वीडियो को शुरू करते। और नजर भी आ रहा है हमें कसरत के साथ जिन्नो इंसान दोजख में जा रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कयामत वाले दिन अनाउंसमेंट होगी कि ए आदम अलैह सलाम, तन जन्नतियों और दोस्तियों को अलग करो। हजरत आदम अलैह सलाम पूछेंगे या अल्लाह कितने जन्नती और कितने दोस्ती, तो अल्लाह ताला फरमाएगा हर हजार में से 999 दोस्ती और सिर्फ एक जन्नती। ये रेशो प्रोपोर्शन। और नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं ये वो वक्त होगा, और ये कुरान हकीम में भी सूरतुल मुज़म्मिल में आया कि लोग जो हैं वो बच्चे भी गम के मारे बूढ़े हो जाएंगे, कि हर हजार में से 999 दोस्त की और सिर्फ एक जन्नती। लेकिन दुनिया में लोग कहते हैं वो एक जन्नती मैं ही होऊंगा। अब यहां पे वो 250 के करीब लोग बैठे हुए हैं और मैं कहूंगा जी मैं एक गोली चलाऊंगा जिसको भी लग जाए, तो कोई नहीं ये सोचेगा यार कि ये 250 में से किसी और को ही लगेगी, एक ही चलानी है, सारे उठ के भागेंगे। लेकिन आखिरत के मामले में हम बेफिक्र हैं, हालांकि वहां पे हजार में से 999 दोस्त की और सिर्फ एक जन्नत। वो पंजाबी कहते हैं ना, अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा, अकल होवे तो सोचा ही सोचा। जिनको अकल नहीं है ना वो मौजों की जिंदगी गुजार रहे हैं, लग पता जाएगा। जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम का कौल है कि इंसान सोया हुआ है, जब मरेगा जाग उठेगा। ओह ये क्या हुआ, असल जिंदगी तो ये थी। तो ये बड़ा सीरियस मामला है, इसमें हमें सीरियस होने की जरूरत है। अल्लाह ताला माता है फजूकु बिमा नसीतुम लिका यौमिकुम हाजा, पस चखो उस अजाब का मजा कि जो तुम दुनिया में हमारी मुलाकात को भुला बैठे थे। इन्ना नसीनाकुम, आज हम भी तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारे हाल पे तुम्हें छोड़ देंगे। वजूकु अजाब अल खुल्द बिमा कुंतुम तअमलून, और चखो उस अजाब का मजा जो तुम दुनिया में अमाल किया करते थे। जिस तरह दुनिया में तुमने हमें पसे पुछ डाल दिया था ना, आज हम तुम्हें भी दोजख में डाल के भूल जाएंगे, तुम्हारे हाल पर छोड़ देंगे। बोले आदु बिल्लाहि ताला, اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين ثم امين। मेरे भाइयों, इस कॉन्टेक्स्ट में एक आयत मैं चाह रहा हूं यहां पर क्रॉस रेफरेंस के तौर पर पेश कर दूं। ये बहुत क्रिटिकल इशू है क़यामत के दिन के एतबार से, कि सूरतुल मुमिन के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 24 के अंदर सूरतुल मुमिन है, सूरे गाफिर भी इसे कहते हैं, और इसकी शुरू की आयत में ही एक आयत आती है, आयत नंबर 10। ये भी कुरान हकीम में चंद सख्त आयत में से एक आयत है। इन्नल लज़ीन कफरू युनादौना लमक्तुल्लाहि अकबरु मिन मक्तिकुम, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह के जो नाफरमान लोग हैं, ये कुफर का तर्जुमा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में अजीबो गरीब हो गया। कुफर का मतलब हम समझते हैं हिंदू सिख ईसाई, अरबी में कुफर कहते हैं इनकार करने वाले को, जो अमल से इनकार कर दे वो भी काफिर, जो अकीदे में इनकार कर दे वो भी काफिर। यानी अमलन तो मुसलमानों की अक्सरियत अमली काफिर है, जब वो नमाज छोड़ रही है तो नमाज कुफर इस्लाम में फर्क है, सही मुस्लिम की हदीस है। तो जो नाफरमान लोग हैं, इनकारी लोग हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें क़यामत वाले दिन अजाब देने के बाद नदा की जाएगी, लमक्तुल्लाहि अकबरु मिन मक्तिकुम अन्फुसकुम इज़ तुदअउना इलल ईमान फतकफुरून। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उनसे फरमाएगा जब उनको अजाब देगा कि आज तुम्हें इस अजाब से बेजारी और तकलीफ हो रही है, कहेंगे हां हो रही है। अल्लाह ताला फरमाएगा इससे ज्यादा हमें दुनिया में तकलीफ होती थी जब तुम्हें हमारी तरफ बुलाया जाता था और तुम रूह गर्दानी करते थे, हमें इससे ज्यादा तकलीफ होती थी। यहां कहते हैं ओ जी अल्लाह ताला नमाजा नहीं चाहिए,
ओ भाई अल्लाह ताला ने कब कहा कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह ताला तो फरमा रहा है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए कामयाब होने के लिए। सही बात है, आप भगवान को जब अल्लाह को जब याद करोगे तो उससे आपके अंदर स्पिरिचुअल जो फीलिंग्स होती है वो उत्पन्न होती है, गुड वाइब्स बनती है, उससे आपको काम करने में भी दिलचस्पी आती है, आपका मन करता है कि आप बहुत सारे काम करें, मतलब आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं दिमाग से, माइंड फ्रेश रहता है हर तरीके से, कोई एंजाइटी नहीं, कोई दुख दर्द नहीं, बस खुशी खुशी ना, कोई डिसऑर्डर्स नहीं। तो इसलिए ही आपको नमाज पढ़नी चाहिए। अगर आप एक मुस्लिम हैं, अगर आप एक हिंदू हैं, तो आपको भगवान को पूजना चाहिए, उससे आपको अच्छी वाइब्स मिलती है, उससे आपका मन शांत होता है, उससे आपको एक लक्ष्य मिलता है जीवन पर, अपने भगवान को या अपने अल्लाह को याद करने पर। तो इसी अच्छे नोट पर इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आप एक ऑडियंस थी जिनने अभी तक हमारा ये वीडियो देखा है। अगर आप इसी खूबसूरती से हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह और भगवान करेगा तो हम बहुत आगे तक बढ़ते चले जाएंगे और आपका ऐसा ही प्यार के सपोर्ट से हम बढ़ेंगे। तो सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने प्यार जरूर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो हमें क्या करना चाहिए। और चलिए बस वीडियो को खत्म करते हैं जी। चलिए नमस्कार।